जय हिंद। देखिए सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग से सहमत है। और RRB रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। NTPC वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती RRB की ओर से थी। RRB को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और RRB भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिये ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और CBT 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें PMO इन्वॉल्व है, न कि RRB का। अगर RRB का रहता तो RRB मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर PMO का डेडलाइन है। PMO जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहा नहीं, अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी हैं, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें PMO ने इस बात को माना है, न कि RRB अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद और नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए और स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का आप भी साथ दिया, आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर FIR हुई है उस पर खुद प्रशासन, DM और SP साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपने बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया है। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे, आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए। आप लोग देखिए हम आपकी हर बात को उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हाँ, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, FIR वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे, जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बाबू बात समझिए, इतना प्रेशर है, हमारे घर के लोग, हमारी मम्मी परेशान है। अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो हम अपनी मम्मी को समझाने में परेशान होंगे। एक फैमिली बताइए, हम लोग की फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा, आप समझिए इस चीज को। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल, अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि जो वहां पर बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहेंगे, वो भी समझते हैं, उन लोग की जिम्मेदारी। बताइए पटना के डीएम और एसपी साहब की इसमें क्या गलती थी, लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं, उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये पीएमओ के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया है। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग का धन्यवाद, और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई आईडी बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से आईडी बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या एफआईआर नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो ये भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इश्यू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछेगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहां पर, तो इसलिए इसको भी समझिए वहां पर। और स्टूडेंट से भी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दांव पे लगा दिए, लेकिन हमको इसलिए हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे, हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाथ जोड़ते हैं कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले, प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट, और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब, तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा। सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप सब लोग हमारे हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं, सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें कल किसी भी हाल में। 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके, 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए खड़े रहें, कल आप हमारे लिए भी खड़े होइए। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए, हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से, मिलेंगे जैसी सूचना होगी आगे, प्रशासन हम लोग पे क्या कार्रवाई करता है इसकी भी हम आपको सूचना देंगे। जय हिंद जय हिंद। देखिए सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है, आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को क्लियर करते हैं। देखिए 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है, और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म, ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उसपे भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था, और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी, उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है, पीएमओ जिस डेट को दे दी उसको हर हाल में मानना है, इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो, करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते आए हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का, वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया, आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई खत्म, कहा नहीं, अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे चीजों से आप बचिए।
किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी है, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं कि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद और नहीं, आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए, स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है भाई, देखिए स्टूडेंट, आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया, आपने भी बहुत सारे टीचर्स का भी साथ दिया, आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी, उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर एफआईआर हुई है उस पे खुद प्रशासन, डीएम और एसपी साहब जो भी पटना के, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपने बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए। आप लोग देखिए, हम आपकी हर बात को उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हाँ, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, एफआईआर वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे, जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बाबू बात समझिए, इतना प्रेशर है, हमारे घर के लोग, हमारी मम्मी परेशान है। अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो हम अपनी मम्मी को समझाने में परेशान होंगे। एक फैमिली बताइए, हम लोग की फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा, आप समझिए इस चीज को। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल, अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पर बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहेंगे, वो भी समझते हैं, उन लोग की जिम्मेदारी। बताइए पटना के डीएम और एसपी साहब की इसमें क्या गलती थी, लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये पीएमओ के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया है। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग का धन्यवाद, और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई आईडी बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से आईडी बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या एफआईआर नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो ये भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इश्यू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछिएगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहां पर। तो इसलिए इसको भी समझिए वहां पर। और स्टूडेंट सभी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाथ जोड़ते हैं कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले, प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं, आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट, और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब, तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा। सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप सब लोग हमारे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं। सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें कल किसी भी हाल में, 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए खड़े रहें, कल आप हमारे लिए भी खड़े होंगे। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए, हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से, मिलेंगे जैसी सूचना होगी आगे। प्रशासन हम लोग पे क्या कार्रवाई करता है इसकी भी हम आपको सूचना देंगे। जय हिंद।